वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ फेद प्रकाश। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा। कोर्स कंटेंट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। फ्रेमवर्क जब हमारा डन हो जाएगा उसके बाद हम जानेंगे कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। उसके बाद हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर प्रीएम्बल्स के बारे में जानेंगे, देन हम 12 जो हमारे शेड्यूल हैं, 12 जो शेड्यूल हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। जब हमें फंडामेंटल राइट्स अपने पता चल जाएंगे तब हम पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद DPSP मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, देन लेजिस्लेचर, उसके बाद जुडिशरी सिस्टम को पढ़ेंगे अपने हम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग, UPSC अदर। ओके, अगर हम इस कोर्स कंटेंट को पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम किसी भी जो नॉन टेक से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल से एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा नॉन टेक भी आता है, मतलब GS के फॉर्म में आता है, जिसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि पॉलिटी से हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल फिक्स हैं वो हम इससे कवर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान, तो संविधान क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि यह एक नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें मानव का सर्वांगीण विकास होता है। ओके, तो इसे ही संविधान कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कई सारे रूल लिखे होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और साथ में इस कंट्री में रहते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारा मेन 2 एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये 2 डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट को के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखता है, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और ये रिलेशन मेंटेन करके रखता है किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। ओके, तो 2 यहाँ पे पॉइंट्स ये आते हैं कि जो हमारा गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कौन होता है, वो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम कस्टोडियन की बात करें, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 2 लोग के बीच का रिलेशन बताता है, किसके किसके बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और सिटीजन का रोल क्या है, चलिए हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जो हमारा लेजिस्लेचर होता है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा एक विधानसभा है, या फिर हम सांसद कह लें। ओके, संसद भवन में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होती है। ओके, उनका काम क्या होता है, किसी भी लॉ को बनाना। ओके, उसके बाद आते हैं जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके, लोअर कोर्ट। इन सभी में क्या होता है कि ये जो लॉ बनते हैं इन पर चेकिंग होती है कि क्या ये लॉ हमारे संविधान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम गवर्नमेंट को फिर से रीचेक के लिए बोलते हैं, अगर वो हमारे संविधान को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम उसे आगे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये कहाँ पर जाता है, एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर लोकल गवर्नमेंट रहेगी वो क्या करती है, फोर्सफुली से लागू करती है, और जो हमारे जैसे सिटीजन होते हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं, और इस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को बना के रखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और किसने किया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबके सामने रखी थी। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए और हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो हमारे पावर्स थे, जैसे स्टेट के पावर हो गए या फिर सेंट्रल के पावर हो गए, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फेडरलिस्ट, प्रोविजंस लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारा फेडरल लिस्ट था वो हमारे 59 पावर्स थी जिन्हें कौन संभालता था, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी हमारी 54 पावर्स थी, इसको स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी इसे दोनों गवर्नमेंट मिल करके, मतलब कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके संभालेगी।
ठीक, क्योंकि उस समय जो हमारे पास जो लोकल पावर कह सकते हैं वो हमारी किसके पास थी, वॉइस रॉय के पास हुआ करती थी। ठीक है, तो 1940 में, इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बार बार मांग हो रही थी तो इसको बाद में माना गया। कब? 1940 में। 1940 में ब्रिटिश ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, जिसे बाद में क्या कहा गया, अगस्ता ऑफर, क्योंकि इसे अगस्त में एक्सेप्ट किया गया था। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि उस समय के हमारे वॉइस रॉय कौन थे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि उस समय हमारे जो वॉइस रॉय थे वो थे लिन लिथिगो। 1940 के बाद 1946 आता है जब कैबिनेट मिशन प्लान की स्थापना होती है और इसमें तीन ब्रिटिश लोग इसे लीड करते हैं। सबसे पहले हमारे थे इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, फिर थे एवी अलेक्जेंडर, देन पैथेटिक लॉरेंस। उस समय की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1946 में प्लान हुई और इसमें जब सबसे पहले जो नंबर ऑफ या भी स्ट्रेंथ कह सकते हैं, स्ट्रेंथ थी जो स्ट्रेंथ थी हमारी पूरी वो थी 389, जिसमें 296 सीट थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, 93 सीट थी किसकी, प्रिंसली स्टेट की, और 3 सीट थी किसकी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और 1 सीट थी बलूचिस्तान की। इस तरीके से 389 सीट थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस असेंबली का जो मेन वर्क था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब हमारे देश की खुद की पावर होगी, वो हम बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और हम उसके बाद सर्विजन पावर ब्रिटिश से लेकर के इंडिया के हाथ में रख दें। सर्विजन पावर मतलब कि जिसमें कि किसी और देश का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, 1946 के बाद आता है 1947। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर क्लेमेंट एटले ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जून 30, 1948 को एंड हो जाएगा। बट हमारा देश 1947 में ही आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 11 महीने और जल्दी आजादी होने के कारण बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसी टाइम मुस्लिम लीग ने भी पार्टीशन की डिमांड रख दी कि एक पाकिस्तान होना चाहिए और एक भारत होना चाहिए। तो उस समय के जो वाइस रॉय थे इंडिया में, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया कि 3 जून 1947 को पार्टीशन के प्लान को प्रेजेंट किया। तो इसे कहा जाता है क्या, माउंट बेटन प्लान, जिसमें क्या था, एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। और ये भी कहा गया कि फ्रीडम के बाद जो प्रिंसली स्टेट है वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है और जो सर्विजन स्टेट पावर थी हमारी, या फिर सर्विजन पावर कह सकते हैं, वो हमारे कब आ जाती है, वो इंडिया के पास आ जाती है 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 के बाद से हमारे देश में किसी दूसरे देश का रूल नहीं चला है, क्योंकि हमारा देश क्या हो गया था, सर्विजन स्टेट हो गया था। ओके, तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब मैं अगर किसी भारतीय की बात करूं, किसी फ्री इंडिया के में अगर कोई भारतीय गवर्नर जनरल बना था वो कौन थे, सी गोपालाचारी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। इन नवंबर 1946 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 388, 389, 390 या फिर 391। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।